अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। रमज़ान पर रमज़ान में गर्मी भी बहुत है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की बर्फी। ये मैंने आटा ले लिया एक कप, मतलब कि एक कोली पूरी करके। इसमें मैंने देसी घी डाला और हल्की आँच पर उसको भून रही हूँ। इतना भूनना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें से खुशबू आने लग जाए। आटे में इतना टाइम तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी इसकी भुनाई करनी है। जैसे इसकी बुनाई हो जाएगी और इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो आटा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद आटे को मैं मुसलसल हिला रही हूँ ताकि नीचे ना लगे चमचा। ये थोड़ा अभी वजनी है, जैसे ही ये इसमें से खुशबू आने लग जाएगी और आटा अपना खुशबू छोड़ देगा और ये खुद ब खुद हल्का होता जाएगा। ये देखिए आटा हमारा मुन रहा है और मैं इसको नीचे नहीं लगने दे रही, इतना हिला रही हूँ इतना कि अच्छे से मिक्स हो जाए, देसी घी भी मिक्स हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कच्चापन ख़त्म होके तो फिर हम जो बेसन है उस बेसन की हम बुनाई करेंगे। बेसन में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, आटे में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैंने इसको चेक किया है, कच्चापन इसका चेक किया था तो ख़त्म हो चुका है। तो ये मतलब कि ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ है आटा हमारा। और आटे को हमने नीचे उतार दिया। अब हमने कढ़ाई लिया, कढ़ाई में बेसन डाल रहे हैं। 3 चम्मच मैंने डाले थे कढ़ाई में बेसन के भर के, लेकिन मुझे कम लगा बेसन तो इसलिए मैंने और ऐड कर लिया बेसन। बेसन ऐड करने के बाद अब हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। देसी घी डाल के हमने इसको चूल्हे पर रख दिया हुआ है, इसकी भी हम बुनाई करेंगे। बेसन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, देसी घी हमें मुझे कम लग रहा था इसलिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा और। देसी घी डालने के बाद हमने इसकी इतनी अच्छे से बुनाई करनी है, इतनी अच्छे तरीके से कि इसमें से खुशबू आने लग जाए और इस पर कच्चापन ख़त्म हो जाए। बेसन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता, आटे में इतना टाइम नहीं लगता। आटा तो हमारा जल्दी तैयार हो जाता है, कच्चापन जो है ना उसका जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन बेसन जो है वो टाइम लेता है, ज़रा बेसन ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए बेसन को हम अच्छे से भूनेंगे, इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से, इतनी बुनाई करनी है कि इसमें से खुशबू आने लग जाए। जैसे इसकी खुशबू आने लग जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हमने जो पिसी चीनी ग्राइंड की थी उसमें हम थोड़ा सा बेसन लेंगे और उसको ना हम डाल कर देखेंगे। उसको डालने के बाद उसको तेज़ करेंगे, अगर उसका कच्चापन ख़त्म हो गया होगा तो हम उसमें आटा ऐड कर देंगे, अगर ना हुआ होगा तो फिर हम दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे। इतनी बुनाई करेंगे कि इसका कच्चापन ऑलरेडी ख़त्म हो जाए। ये देखें मैं मुसलसल इसको चम्मच चलाती जा रही हूँ, इसका हम कच्चापन ख़त्म कर रहे हैं। बेसन को इतना भूनना है, इतना हिलाना है कि ना ये नीचे से लगे ना अच्छे से। ये देखें मैं हिला रही हूँ और कॉन्स्टेंटली मिक्स करती जा रही हूँ, ये मिक्स होता जा रहा अच्छे तरीके से। ये देखो, ये मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है, उसको मैंने चीनी जो बड़ी चीनी ली होती इसको आम ब्लेंडर में इसको ग्राइंड कर लिया हुआ। और अब हम इसको इस देखा हमने कच्चापन अभी है इसमें, तो हम फिर इसकी बुनाई कर रहे हैं। बुनाई करने के बाद अब हम इसमें जैसे ये कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अभी मैं हिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, तो अभी इसमें कच्चापन है। मुसलसल हिलाती जा रही हूँ बेसन को, इतना कि नीचे ना लग पाए। ये हिलने लग गया और मतलब चिपकना बंद हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी बुनाई अच्छी हो रही है बेसन की। ये मैंने आटा डाल दिया, इसकी बुनाई हो चुकी है बेसन की। तो मैं अब आटा मिक्स कर रही हूँ बेसन में, हमने इसका कच्चापन ख़त्म कर दिया और उसमें से खुशबू भी आने लग गई थी बेसन में से। हम ये सारा आटा जो हमने भुना था तो वो हम बेसन में ऐड कर रहे हैं। ऐसा ऐसा करके हम सारा ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए जाएंगे। बेसन और आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, जो पिसी हुई चीनी थी ना वो हम इसमें डाल रहे हैं। पिसी हुई चीनी डाल के ये देखिए, ये मैं अच्छी तरह इसको साफ़ कर रही हूँ, बॉल को यानी कि पतीली को जिसमें मैंने आटा भुना था ना, ये अच्छे से साफ़ कर रही हूँ पतीली को। साफ़ करके तो फिर मैं इसमें इसको मिक्स कर रही हूँ आटे को, आटे और बेसन को।
ये देखें मैं सलसा हिला रही हूँ।